गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत करते हैं एक काफी ब्यूटीफुल काफी तगड़ी डॉग ब्रीड के साथ जो है जर्मन शेफर्ड। तो दोस्तों जर्मन शेफर्ड आप लोगों को कुछ अलग अलग कोट्स और कुछ अलग अलग कलर्स में मिल जाते हैं, जिसमें से दो अलग अलग कोट के पपीज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें से फर्स्ट है मीडियम कोट और सेकंड है डबल कोट। तो फ्रेंड्स ये जो आप लोग देख रहे हैं ये डबल कोट का पपी है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और ये ब्लैक मास्क में है। बाकी आप लोग पपीज की क्वालिटी देखें, दोनों ही पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है, तो आप लोग जिसे चाहे उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनके कोट को लेकर हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। कोई मीडियम कोट को पसंद करता है, कोई डबल को, तो कोई लॉन्ग कोट को। वैसे आई नो लॉन्ग कोट के पपीज दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, बट भाई उनके कोट को मेंटेन रखना भी उतना ही टफ होता है। बट इन पपीज को आप लोग काफी आसानी से मेंटेन रख सकते हो, इसमें आप लोग को ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। एंड गाइस जिस कैनल पर आप लोगों को ये पपीज मिलेंगे ये उसका विजिटिंग कार्ड है जिसका नाम है द इंडियन डॉग कैनल। बाकी ओनर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को विजिटिंग कार्ड पर दिख ही रहा है, अदरवाइज मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है वो मीडियम कोट का जर्मन शेफर्ड मेल पपी, एंड जो ये डबल कोट में ये है फीमेल्स। और गाइस ओनर के पास जर्मन शेफर्ड में कुछ और क्वालिटीज भी आप लोगों को मिल जाएंगी, और सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑल डॉग ब्रीड में काम करते हैं, तो आप लोग इनके अलावा अगर और कोई भी डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग डॉग ओनर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी पपी डार्क कलर में होने के साथ साथ काफी हैवी बोन भी है, तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी में आप लोगों को इनके कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग जर्मन शेफर्ड के अलावा और किसी भी डॉग ब्रीड को काफी कम प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके यार उसे ऑल पर जरूर करें, ताकि मेरी सभी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस पपीज तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो गाइस फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि इन पपीज के फादर हैं जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है, और पपीज की मदर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज की मदर। बाकी परचेज करने से पहले आप लोग इनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जरूर ले लें। तो गाइस ये तो थे कुछ फैक्ट्स जर्मन शेफर्ड के, तो अब बात करते हैं इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो गाइस फर्स्टली अगर इन जर्मन शेफर्ड पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज आज 50 डेज के हो चुके हैं। बाकी वैक्सीनेशन के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने स्टार्ट करवा रखे या फिर नहीं। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है रांगिया संगरूर पंजाब से। एंड दोस्तों डिलीवरी को लेकर आप लोगों को ज्यादा कुछ ऑप्शंस तो नहीं मिल पाएंगे, वैसे ओनर आप लोगों को आसपास के एरियाज में तो डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, बट भाई अगर आप लोग ज्यादा दूर से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली ओनर को विजिट करके इन्हें परचेज करना होगा। एंड फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि पपीज मीडियम कोट और डबल कोट में है, तो उन्हें जो मीडियम कोट के मेल पपी के प्राइस की डिमांड की है वो क्या 10,000 पीस 10,000 रूपए, और जो डबल कोट में फीमेल है उसके प्राइस की डिमांड की है 12,000 पीस यानी 12,000 रूपए। बाकी दोस्तों प्राइस में बार्गेनिंग करके आप लोग कम करा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।